शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वाड़ी नगर परिषद के हद में नवनीत नगर में सोशल डिस्टेंसिंग रखकर घर में ही शादी की गई है। लॉकडाउन बढ़ गया है, अब 17 मई तक का समय सरकार ने तय किया है, इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है। शादी समारोह को पहले जैसे अनुमति नहीं है, फिर भी लोग नियमों के अनुसार शादी समारोह घर में ही निपटा रहे हैं। ऐसी ही एक शादी नवनीत नगर के वासनिक परिवार में संपन्न हुई। नवनीत नगर निवासी वधु दीपिका लॉकडाउन में एक दूजे के साथ 7 जन्म के फेरे लेकर विवाहबद्ध हुए। 6 महीने पहले दोनों की सगाई हुई थी। लड़का 8वां मेल रामजी अंबेडकर नगर का दूल्हा है, कैटरिंग का व्यवसाय करता है। दोनों परिवार वाले लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ने से आखिर अंकुश ने शादी कर ली। शादी के दौरान केवल दोनों परिवार के 20 ही लोग उपस्थित थे। शादी लगते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। शादी के दौरान किसी भी तरह का खर्चा नहीं किया गया। वधूवर को परिवार के रिश्तेदारों ने व्हाट्सएप पर ही शुभकामनाएं दी। शादी में दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने दौलामेटी ग्राम पंचायत सदस्य प्रशांत केवटे मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज दिनांक 10/5/2020 या रोजी माझा विवाह संपन्न झालेला आहे। मुलीचा नाव दीपिका अविनाश वासनिक। आम्ही शासनाच्या नियमाप्रमाणे सॅनिटायझर सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करून हा लग्न सोहळा पार पाडलेला आहे। माझी सगाई 6 महिने अगोदर झाली होती। अंकुश सुरेश साखरे यांच्याशी राहणार 8वा मेल आणि आज दिनांक 10/5/2020 या दिवशी आमचा विवाह सोहळा संपन्न झालेला आहे। शासनाचे कोणतेही उल्लंघन न करता आम्ही हा विवाह सोहळा संपन्न केलेला आहे। यामध्ये सॅनिटायझर आणि मास्कचा उपयोग करता विवाह संपन्न झालेला आहे। इन बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।